वो एक पद्धति विपश्यना पद्धति है जिसमें 9 दिन तक लगातार चुप रहना होता है और साथ में कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, ध्यान करना होता है। मैं तो अब तक उसमें नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मेरे जो मित्र वहाँ गए, 2-3 बार गए, मैं उनसे जब पूछता हूँ तो वो एक बात हमेशा कहते हैं कि वहाँ जाएंगे तो फ़ोन भी आपसे ले लिया जाएगा, आपके पास फ़ोन भी नहीं है, कोई तरीका बाहर की दुनिया से कनेक्टेड होने का नहीं है, दिन भर अकेले रहना है, थोड़ा सा अभ्यास बीच में होना है, बोलना नहीं है, चुप रहना है एकदम। तो पहले 1-2 दिन में तो मन इतना बेचैन होता है, मन करता है कि भाग जाए यहां से, क्योंकि आदत नहीं है ना। 3rd-4th दिन से धीरे धीरे वो एकांत ठीक लगने लगता है, मौन अच्छा लगने लगता है, और 9 दिन होते होते हालत ये होती है कि जब उसके बाद कहते हैं कि अब आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अधिकांश लोगों का बोलने का मन नहीं करता, उन्हें लगता है कि बोलना कितना फिजूल है, ऊर्जा का अपव्यय है, क्या जरूरत है बोलने की, उतना ही बोलेंगे जितना काम का है, हर समय जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोलते रहना कोई अच्छी बात थोड़ना है। 9 दिन के कंपल्सरी मौन से मौन का महत्व समझ में आ जाता है, और यह तो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से 21+19=40 दिन का सघन एकांत आपको मिल गया है। बेचैनी होगी, पर मेरा विश्वास है कि जो बेचैनी पहले हो रही होगी उसकी तुलना में अब थोड़ी कम हो गई होगी, अब आपको एकांत से एडजस्टमेंट होने लगी होगी, उस एडजस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, बाहर नहीं जा सकते, भीतर जाने की जरूरत।